ऐसे में अस्पताल का किया गया औचक निरीक्षण। चिकित्सा सचिव वैभव गालरिया ने किया निरीक्षण। कैथ लैब और डीएसए मशीन के उद्घाटन से पहले निरीक्षण किया। सीएम गहलोत शनिवार को दोनों मशीनों का उद्घाटन करेंगे। एसएमएस अस्पताल में 10 करोड़ की लागत से लगाई गई हैं दोनों मशीनें। अब जल्द और आसान होगा मरीज का ब्रेन ट्यूमर का इलाज। एसएमएस में 10 करोड़ की लागत से लगाई गई दोनों मशीनें। एसएमएस अस्पताल का औचक निरीक्षण किया गया और इसमें मशीनों की स्थिति को, मशीनों की हालत को चेक किया गया। एसएमएस अस्पताल का औचक निरीक्षण किया गया। जयपुर में एसएमएस अस्पताल चिकित्सा सचिव वैभव गालरिया ने औचक निरीक्षण किया। कैथ लैब और डीएसए मशीन के उद्घाटन से पहले उन्होंने ये निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री गहलोत शनिवार को दोनों मशीनों का उद्घाटन करेंगे, यानी उसे जनता को सौंपेंगे और जनता के कामों के लिए उन मशीनों का फिर इस्तेमाल होगा। एसएमएस में 10 करोड़ की लागत से मंगवाई गई हैं ये दोनों मशीनें। कैथ लैब और डीएसए मशीन के उद्घाटन से पहले निरीक्षण किया गया है। सीएम गहलोत शनिवार को दोनों मशीनों का उद्घाटन करेंगे। जयपुर में एसएमएस अस्पताल का औचक निरीक्षण किया गया। चिकित्सा सचिव के द्वारा वैभव गालरिया ने निरीक्षण किया एसएमएस अस्पताल का। कैथ लैब और डीएसए मशीन के उद्घाटन से पहले निरीक्षण किया गया। प्रशांत यादव हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं, संवाददाता। प्रशांत, एसएमएस अस्पताल में नई सुविधाएं आ रही हैं, उसका निरीक्षण किया जा रहा है, इससे पहले कि मुख्यमंत्री उनको उनका उद्घाटन करें। जी बिल्कुल, देखिए बात करें अगर कई सौगातों की, तो दिवाली से पहले अब प्रदेशवासियों को प्रदेश के सबसे बड़े अस्पताल एसएमएस अस्पताल में नई सुविधाएं मिलने जा रही है। शनिवार को मुख्यमंत्री गहलोत है जो इसके उद्घाटन करेंगे। एसएमएस अस्पताल में है जो करीबन 10 करोड़ लागत से तैयार हुई मशीन, उसका जो है उद्घाटन करेंगे और उसी को लेकर आज जायजा लिया एसएमएस अस्पताल के जो सचिव है, के जो चिकित्सा सचिव है वैभव गालरिया, इन्होंने आज निरीक्षण करके पूरी तरीके से जो व्यवस्था है उसका जायजा लिया। जो कैथ लैब और डीएस मशीन है, उस मशीन के उद्घाटन के लिए सीएम आएंगे, उसको लेकर के जो है उन्होंने निरीक्षण किया कि क्या कुछ व्यवस्था है, और शनिवार को इस मशीन के उद्घाटन के लिए निरीक्षण किया, और आखिर में जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है वो शनिवार को इसका उद्घाटन करेंगे और प्रदेशवासियों को और प्रदेश के सबसे बड़े अस्पताल एसएमएस अस्पताल को एक बड़ी सौगात देंगे। जी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए प्रशांत, तमाम जानकारियां देने के लिए। ले रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक।